उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को हर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा करते हुए गढ़वाल कमिश्नर को तकनीकी एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने को कहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला प्रशासन के अधिकारियों से लगातार रेस्क्यू अभियान का अपडेट ले रहे हैं। वहीं बैठक में सीएम ने कमिश्नर पुलिस महानिरीक्षक और राहत बचाव कार्य एजेंसियों से पहले विस्तार से अपडेट लिया। उन्होंने कहा कि टनल में फंसे मजदूरों को खाद्य सामग्री, पानी, दवा आदि जिस भी वस्तु की आवश्यकता है उसे तत्काल रूप से मुहैया कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे, लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकार इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ क्योंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे।